योगी तरीता ना साई। बागपत में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सिपाहियों ने एक बैल को भी अपने रंग में रंग डाला और समाजवादी की टोपी पहनाकर उस बैलगाड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शनकारी सिपाहियों ने SDM ऑफिस तक पहुँचे। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने बढ़ते पेट्रोल के दाम, LPG के दाम, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। वहीं समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम भी सौंपा है। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में आज सिपाहियों का प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए बागपत से बड़ी खबर। यहाँ पे बढ़ती महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि जब योगी सरकार आई थी तो ये कहा जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार योगी सरकार, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। ये तो कहते थे कि किसान की आय जो है दोगुनी कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो सारी की सारी जनता की आय ही आधी कर दी है। अभी सिलेंडर जो है पहले 400 रुपये का आता था, अब 800 रुपये का आता है। आप जा कर के देखेंगे घरों के अंदर तो जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के अंदर दिए गए थे वो सिलेंडर आज खाली पड़े हैं। जब मोदी जी कहते थे कि मुझे माँ बहनों की आंखों के अंदर आंसू दिखाई देते हैं, क्या अब उनको आंसू दिखाई नहीं देते हैं? जैसे आप देख ही रहे हैं, आज इस सरकार में ये नौबत आ गई है कि बैल को हमारी गाड़ियाँ खींचने का टाइम आ गया है। महंगाई की मार को लेके हर तरफ देश में, हर प्रदेश में सरकार पूरी तरह से खराब साबित हुई है। हर दिन महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। डीजल लगातार बढ़ता रहा है, आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं। ऐसी सरकार को मांगा गया था क्या? क्या नरेंद्र मोदी को यहाँ की जनता ने उत्तर प्रदेश की इसलिए चुना था कि महंगाई भी करे? हर वादे झूठे हो गए, चाहे वो बैंकों में 15 लाख आने की बात रही हो, चाहे वो नौकरियों की बात रही हो, युवाओं को के विकास की बात हो, हर जगह पर ये सरकार विफल रही है, नाकामयाब रही है। और अब गन्ने को लेके भी आप देख रहे हैं, गन्ने का भुगतान जहाँ कि बागपत सब जानते हैं, गन्ने को लेके प्रधान जिला है, ऐसे में यहाँ पे गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही है। इतनी बड़ी कई करोड़ बकाया है, राशि है। इन सब बातों को लेके विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। और यहाँ ही नहीं, हर जगह पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, माननीय अखिलेश जी की तरफ से, सभी जगहों पर पार्टी के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के सभी जिलों में हर जगह कार्य कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।